हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूँ। तो इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड है ये। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस जो बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोगों को डेली लाइफ में लगभग इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस अभी जो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, इस सेंटेंस को देखिए गौर से। पूनम को कड़ी मेहनत करते रहना है, इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस हम लोग सुनते हैं या तो हम लोगों को डेली लाइफ में यूज करना पड़ता है, इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग घबरा जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नाम तो पता है कैसे लिखना है, लेकिन इस तरह का सेंटेंस को आखिर हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हम कैसे इजिली बोल पाए, तो उसी चीज को मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज, ये जो टॉपिक है हम लोगों का, इसमें देखिए हैज और हैव टू का प्रयोग करने वाले हैं इसमें हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस आखिर बताता क्या है। तो देखिए, सेंटेंस का अंत में यही रहेगा, करते रहना है ना, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि कंपल्सन है। कंपल्सन का मतलब क्या हुआ? मजबूरी। देखिए, बहुत सारा ऐसा काम होता है हर एक इंसान का लाइफ में जो काम को वो करना नहीं चाहता। सपोज दैट अभी स्टूडेंट्स का अगर बात करें तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो मजबूरी में। बहुत कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मजबूरी में उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम सामने है, अगर एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ऐसा कुछ सोच के उन्हें पढ़ना पड़ता है, यानी कि मजबूरी है पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात, अभी देखिए, अगर आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से तो आपको एक अच्छा नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मजबूरी है। किस चीज का मजबूरी है? तो हमको नौकरी पाना लाइफ में, पढ़ लिख के तो पढ़ेंगे तभी तो, यानी कि पढ़ाई हमारा मजबूरी हुआ। कहने का मतलब यही है आज के इस एज में, ठीक है। पहले के जो लोग होते थे वो पढ़ाई इसलिए करते थे ताकि उनके अंदर नॉलेज बढ़े, लेकिन अभी क्या है कि अभी जस्ट सबका सोच यही है कि हम पढ़ेंगे तो हम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे और एक अच्छा सेटल वाला जीवन जिएंगे। तो सेम उसी तरह से अभी हम लोग कंपल्सन यानी कि मजबूरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस को समझते हैं, और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी सीखने में बहुत ही मदद मिले, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, फॉलो भी कर ले, ठीक है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला काम सब्जेक्ट हम लोग को लगाना है। सब्जेक्ट मतलब कि जो भी व्यक्ति जो काम करने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हैज या हैव, यानी कि अगर आई रहा तो इसके साथ हैव लगाएंगे, सी रहा तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज। कहने का मतलब है जहां पे सिंगुलर का होगा वहां पे हैज, और जहां पे प्लूरल का होगा वहां पे हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है गाइस। उसके बाद टू लगाना है। देखिए, यहाँ पे टू के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है? ये एक इंफिनिटिव वर्ड है, टू टू के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, ठीक है। तो इसके इसी के लिए इसके यहाँ पे वी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हम लोग कोई भी वर्ब का इस्तेमाल, मतलब कि जो भी वर्ब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग खास करके यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे रहा है यानी कि कंटिन्यूअस का बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा? वर्ब फोर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है गाइस। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको जस्ट करना क्या है कि मेरे साथ रिपीट करना है इन सेंटेंसेस को, ठीक है। आप अगर रिपीट करते हो तो आप एक बार में सीख जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो देखिए, हमें आदेश का पालन करना पड़ रहा है, यानी कि देखिए आदेश का मतलब क्या हुआ? अभी कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम किसी का आदेश को पालन करें। सपोज दैट कि अभी कोविड का जो टाइम था हमारा इस एरिया में, इसमें क्या था कि क्या आपको घर से बाहर जाने में, मतलब कि घर से बाहर जाने का मन नहीं करता था, लेकिन क्या था कि आपको आदेश का पालन करना पड़ रहा था। किनका? हमारे भारत का जो गवर्नमेंट है उनका। किस लिए? क्योंकि वो हमारी सुरक्षा चाहते थे, मजबूरी है ना। तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ये हमारा मजबूरी था, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हमें आदेश का पालन करना पड़ रहा है। तो देखिए, वी हमें के लिए वी लग गया, इसके बाद हैव लग जाएगा, इसके बाद टू वी, यानी कि वी हैव टू वी। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव में से हैव का इस्तेमाल हो गया, टू तो यहाँ पे लगेगा लगेगा, वी तो लगेगा ही लगेगा, और वर्ब फोर यानी कि देखिए पालन करना का इंग्लिश क्या होता है? अवॉइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवॉइडिंग, ठीक है गाइस। एन ऑर्डर, यानी कि वी हैव टू बी अवॉइडिंग एन ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ? हमें आदेश का पालन करना पड़ रहा है। दैट बहुत ही सिंपल है, आपको मजा आया होगा ये सेंटेंस को देख के। तो इसी तरह के और भी कुछ कुछ मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। देखिए, पूनम को कड़ी मेहनत करते रहना है। क्या लिखा हुआ है? कड़ी मेहनत। तो देखिए, किसको करना है? पूनम। पूनम क्या है? एक नाम है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। इसके बाद क्या लगेगा? टू। इसके बाद क्या लगेगा? बी। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपना बोलचाल में तो एकदम 100% आपको याद हो जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो पूनम हैज टू बी, क्या करते रहना? कड़ी मेहनत।
कड़ी मेहनत का क्या होता है? तो टॉयल होता है, TOIL, कड़ी मेहनत। ठीक है गाइस, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? ING, टॉयलिंग। बस हो गया, मैटर खत्म। पूनम को कड़ी मेहनत करते रहना है, पूनम हैज टू बी टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब, या तो फिर वर्क 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 हार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ना करके हम ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतर लगता है। ठीक है गाइस, तो ये सेंटेंस समझ में आ गया, ये कितना इजी था, है ना। आगे देखिए, भारतीयों को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक वास्तव में एक ऐसा मजबूरी है जो हम लोगों का एकदम पूरा तरह से, मतलब क्या करें, मतलब कुछ कहा नहीं आ सकता इसके बारे में कि हम लोग कैसे झेल रहे हैं आतंकवाद को, है कि नहीं। हर महीने में ऐसा कहीं ना कहीं न्यूज मिल ही आता है हम लोगों की, आतंकवादी लोगों ने हमला कर दिया, किसी का नुकसान पहुंचा दिया, इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचा दिया, या झारखंड पुलिस को, या बिहार पुलिस को, या MP पुलिस को नुकसान पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ये हमारा मजबूरी है, हम उन्हें पूरा तरह से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा मजबूरी है। ठीक है, हमारा सरकार चाह भी रहा है कि आतंकवाद खत्म हो जाए, बट फिर भी क्या हो रहा है कि उसे हम लोग पूरा तरह से खत्म नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा मजबूरी है। तो देखिए, भारतीयों को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि भारतीयों मतलब क्या हुआ? इंडियंस, किसी एक व्यक्ति का तो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरे इंडियंस का बात हो रहा है। तो इंडियंस, इंडियंस है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? है। इसके बाद क्या लगेगा? टू। उसके बाद क्या लगेगा? बी। यहां तक क्लियर है, इंडियंस हैव टू बी। अब देखिए यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, काम यही हो रहा है, सामना करना। तो हैव टू बी क्या लिखेंगे? फेसिंग। फेसिंग, फेस मतलब क्या होता है? सामना करना। ठीक है गाइस, फेसबुक वाला बात नहीं कर रहा हूँ, फेस का, है ना। फेस मतलब होता है सामना करना। ठीक है गाइस, तो फेसिंग यहाँ पे हो गया, भरोसा लग गया इसका। तो देखिए, इंडियंस हैव टू बी फेसिंग, क्या सामना करना पड़ रहा है? आतंकवाद। आतंकवाद का क्या होता है? टेररिज्म। बस इंडियंस हैव टू बी फेसिंग टेररिज्म, बहुत ही सिंपल है गाइस। तो ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का मजबूरी वाला जो काम रहता है गाइस, उसको देखा जाए तो उसको कैसे बोला जाता है, ये मैंने एकदम पूरा आपके सामने में स्ट्रक्चर रख दिया है। ये स्ट्रक्चर को आप देख लो, समझ लो, बहुत ही आसान होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए, मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम पहले अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे क्या हो रहा है? मजबूरी है कुछ, या तो बेटी का शादी किए हैं, या तो फिर सपोज दैट कि मेरा सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, या कुछ फैमिली में ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा जो है स्थिति पूरा तरह से एकदम खराब हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी था वो पूरा तरह से खराब हो गया, है ना गाइस। तो इस तरह का सिचुएशन में उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो देखिए, मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, आई हैव टू। उसके बाद बी, क्या सामना करना पड़ रहा है? फेसिंग, है ना, फेसिंग लिखेंगे यहाँ पे। किस चीज का सामना करना पड़ रहा है? गरीबी का। तो गरीबी का क्या होता है? पॉवर्टी। हो गया खत्म। देखिए बहुत ही आसान था ना, मेरे साथ आप रिपीट करो। देखो, मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, आई हैव टू बी फेसिंग पॉवर्टी। ठीक है गाइस, आगे देखिए, उसे धूप में कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। तो देखिए, उसे का क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, ही हैज, इसके बाद क्या लगेगा? टू। इसके बाद क्या लगेगा? बी। क्या करना पड़ रहा है? कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। तो कड़ी मेहनत का भी तो मैंने बताया था, टॉयल। तो टॉयल को क्या कर देंगे? टॉयलिंग कर देंगे। कहाँ पे करना पड़ रहा है? कड़ी, उसे धूप में एकदम, यानी कि देखिए कहने का मतलब, देखो भाई, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसलिए पढ़ो ध्यान से और सीखो इन चीजों को, मैं जो बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ आपको, और इतना ज्यादा मजा आपको कहीं नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर रेगुलर देख रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है, कैसे सीखना है और कैसे अपना डेली लाइफ में यूज करना है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिए, ही हैज टू बी टॉयलिंग, यानी कि उसे कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। कहां पर? धूप में। तो इन द सनलाइट, सीधा लिख दीजिए या तो बोल दीजिए इन द सनलाइट, या तो फिर डायरेक्ट हम लोग इन द सन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लाइट को ऐड करें। ठीक है गाइस, बहुत ही आसान था। अब देखिए, एक आखिरी सेंटेंस है, मुझे धमकी सहना पड़ रहा है। गाइस, कुछ तो किए होंगे हम ऐसा, इसीलिए तो मुझे धमकी मिल रही है। मेरा मजबूरी है कि हमको उसको सहना पड़ेगा। सपोज दैट कि मैंने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, मैं उसे चुका नहीं रहा हूँ, तो मुझे तो धमकी देगा ही देगा, तो वो धमकी को हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक? जब तक हम उसको उसका पैसा चुका ना दे।
तो कहने का मतलब यही हुआ कि उसका पैसा मुझे चुकाना होगा, तब तक वो मुझे धमकी देगा और मेरा मजबूरी है कि मुझे उसका धमकी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरह का ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप लोगों को कमेंट करके इस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है ना। तो मुझे धमकी सहना पड़ रहा है, इस सेंटेंस को कमेंट में करिए और मैं देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे फिर मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एक बहुत ही मजेदार मतलब टॉपिक लाने वाला हूँ और उस टॉपिक के जरिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, सो थैंक यू।